रंगीन जेठालाल जी याद आ रहे हैं वैलेंटाइंस डे पे। नवरात्रि वाली जो सीरीज थी उसमें आपने जेठालाल को ये पहने हुए देखा होगा। इतने डिजाइन्स आप लाते कहाँ से, इतने आइडियाज कहाँ से आते हैं आपके पास? ये चल रही है, रिपीट नहीं हुआ एक भी पीस, रिपीट भी नहीं हुआ है कब। आज के वीडियो में खुलेगा जेठालाल के यूनिक आउटफिट्स का राज, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल गरिमाज गुड लाइफ। यू नो, जब भी मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा की शूटिंग की है, स्पेशली जेठालाल के साथ शूटिंग की है, मैं हमेशा उनके कपड़े नोटिस करती थी और सोचती थी यार इतने अलग टाइप के क्रिएटिव कपड़े आते कहाँ से हैं, क्योंकि जनरली बाकी सबके आउटफिट्स अलग होते हैं। फाइनली इसका राज जो है वो खुल गया है और आज मैं आप लोगों को भी उसी राज से रूबरू कराने जा रही हूँ। ये है MB2 इन बोरीवली। दिस इज अ शूटिंग लोकेशन फॉर तारक मेहता का उल्टा चश्मा, प्लस जेठालाल की जो डिजाइनर वार्डरोब है वो भी यहीं से आती है। हाय रोहित जी। हाय। आप ये देख रहे हो यहाँ पे सारे कपड़े? हाँ, ये देखते ही आपको एकदम दिमाग में जेठालाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? दिस इज सो हिम। NB2 की इस शॉप में एक पूरा सेक्शन है जहां आपको जेठालाल की वार्डरोब डिस्प्ले पर मिल जाएगी। वाइब्रेंट कलर्स, क्रिएटिव पैटर्न्स, ट्रेडिशनल येट क्वर्की डिजाइंस, इन्हीं कपड़ों को पहने आपको जेठालाल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एपिसोड्स, प्रोमोस, फोटोग्राफ्स सब जगह दिख जाएंगे। ये एडवर्टाइज में आ रहा है, जेठालाल की जो मेन एडवर्टाइज है बाहर की, जिसमें पूरा ग्रुप दिखाते हैं, ये इसमें ये शर्ट है। फ्रेंड्स, इन कपड़ों के बारे में जो स्पेशल बात है ना, वो ये है कि ओकेजन्स के हिसाब से जेठालाल के सारे आउटफिट्स यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। जैसे ये वाला जो शर्ट है उन्होंने गणेश उत्सव पे पहना था। नवरात्रि वाली जो सीरीज थी उसमें आपने जेठालाल को ये पहने हुए देखा होगा। सो या प्रोडक्शन वाले जो है वो आप लोगों को बता देते हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, और आप लोग तैयार कर देते हैं उनके कपड़े। खास बात ये है कि पिछले 10 सालों से जेठालाल कैरेक्टर के आउटफिट्स NB2 से ही सोर्स किए जाते हैं और यहाँ के ओनर एंड डिजाइनर जितेश लखानी जी, प्यार से जिन्हें सब जीतू काका बोलते हैं, उनका दावा है कि चाहे वो रेगुलर एपिसोड्स हों या फिर स्पेशल सेलिब्रेशन वाले एपिसोड्स, आज तक जेठालाल ने एक भी आउटफिट रिपीट नहीं किया है। ये वाला ब्लेजर आपको देख के कुछ याद आ रहा है? हाँ, रंगीन जेठालाल जी याद आ रहे हैं वैलेंटाइंस डे पे। ये आपने वैलेंटाइंस डे के लिए डिजाइन किया था उनके लिए? अरे उनका फोन आया, वैलेंटाइन डे है, तो मैं बोला आपका काम हो गया। तो जर्नी कैसे शुरू हुई है पूरी डिजाइनिंग की? नहीं, उनका जब इस फर्स्ट शो स्टार्ट हुआ ना, तो मुझे किसी ने बोला कि आप उनके पास जाइए, आप इतने अच्छे कपड़े हैं, तो मैं वहाँ सपने सैंपल लेके गया। आशीष जी को बोला कि मेरे अच्छे कपड़े हैं, आप उनको पहनाइए, उनको पसंद आए तो पहनाना, नहीं तो आपके पास ही रख लेना, आदमी लोग को बांट देना। और तब से लेकर आज तक चालू है। हाँ। इतने डिजाइन्स आप लाते कहाँ से, इतने आइडियाज कहाँ से आते हैं आपके पास? नेचुरली आ जाते हैं, नेचुरली आ जाते हैं, एकदम नेचुरल। रिपीट नहीं हुआ एक भी पीस, रिपीट भी नहीं हुआ है कभी, और हमारी दुकान में भी कहीं भी रिपीट नहीं होता है। बाय द वे, दिलीप जोशी NB2 के कपड़े तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तो पहनते ही हैं। इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ हिज रियल लाइफ पर्सनालिटी एंड हिज पर्सोना एज वेल। And Jitu ji is very proud of this fact. उनका एक मीटिंग था अमिताभ बच्चन के साथ में, शर्ट बना के भेजा, उसमें अमिताभ बच्चन के 4 पिक्चर के अलग अलग फोटो लगा के भेजे थे। अरे वाह। अमिताभ बच्चन जी ने उसको पूछा कि आपने कहाँ पे बनाया, इतना वो राज्य हो गए। वाओ, तो मतलब दिलीप जी आपके कपड़े जो हैं वो पर्सनल लाइफ में भी काफी यूज करते हैं? नहीं नहीं, अपने में भी पहनते हैं और यहाँ भी पहनते हैं। और वो यहाँ पर भी आते हैं, आते होते घंटा बैठते हैं। अरे वाह। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना NB2 का बहुत बड़ा सेटअप है, कम से कम 4-5 यहाँ पे उनकी शॉप्स हैं अलग अलग टाइप की। जो पूरी सीरीज थी ना जहाँ पे दया भाभी को 20 करोड़ वाली साड़ी चाहिए होती है, उसकी पूरी शूटिंग NB2 के अंदर ही हुई थी। किसी को जेठालाल की शर्ट्स बहुत ज्यादा पसंद आ जाती हैं, याद है आपको, उसकी शूटिंग भी जो थी यहाँ पर हुई थी, जहाँ पे उन लोगों ने बहुत सारे शर्ट्स वगैरह लगा कर इसे शूट लोकेशन में कन्वर्ट कर दिया था। गाइस, जेठालाल को ना एक गुजराती व्यापारी की इमेज देने के लिए
इन कपड़ों ने बहुत ज्यादा हेल्प की है एंड उसका नतीजा पता है क्या हुआ है, यहाँ पे NV2 में इस टाइप के कपड़ों को रिटेल भी किया जाता है और बहुत सारे लोग जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस हैं या जेठालाल के फैंस हैं वो ये कपड़े खरीदते हैं और उन्हें बहुत ही प्राउडली स्पोर्ट भी करते हैं। आपको जेठालाल बहुत पसंद है? अरे एकदम से। और उनके कपड़े सीरियल भी इतनी देखते हैं और कपड़े भी ऐसे ही देखते हैं और फिर जीतू भाई के पास पहुंच जाते हैं हम लोग कपड़े लेने के लिए। सोसाइटी के अंदर भी सब लोग बोलते हैं कि जेठा भाई आ गए, जेठा भाई आ गए। खाली शर्ट पहनने से बोलते हैं, बोले जीतू भाई का शर्ट पहन लेना, तो ये चीज बोलते हैं हम लोग को। सो फ्रेंड्स, अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैन है या फिर जेठालाल के कपड़े आपको बहुत पसंद है और जेठालाल आपको बहुत पसंद है तो उनकी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट एक्सप्लोर करने के लिए आप यहाँ पे बोरीवली में NV2 जरूर आइए और अगर पसंद आए तो यहाँ से शॉपिंग भी कीजिए। मैं सारी डिटेल्स आप लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और अगर वीडियो पसंद आया यू नो यू हैव टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गरमास गुड लाइफ। लव यू ऑल।